सच बता रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, क्योंकि एक दो नहीं दोस्तों, लाखों लोगों के साथ इस तरह का घटना घटने वाला है और 500 लोगों को दोस्तों वीज़ा एक साथ कैंसिल किया गया है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है दुबई से रिलेटेड, मैं अपने चैनल पर दोस्तों आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो ये वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये दुबई का वीडियो है। जो लोग यूएई दुबई में रहते हैं उनको पता है, और अगर कमेंट सेक्शन में मेरी बात में सच्चाई होगा तो यस जरूर लिख देना, ताकि जो नए आने वाले भाई हैं उनको पता चल सके कि रियलिटी सच यही है। तो दोस्तों ये देखिए, वैकेंसी 100 है लेकिन बंदे पहुँचे हुए 1000, ठीक है, मतलब 100 लोगों की ज़रूरत है काम पे रखने के लिए, लेकिन 1000 लोग इंटरव्यू देने के लिए पड़े हुए हैं। तो इतना प्रॉब्लम चल रहा है विजिट वीज़ा पे दुबई के अंदर। तो ये सब चीज़ पहले जान लो, रियलिटी जान लो। मेरा जो सजेशन है पहला, कि आप विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जॉब के लिए ना जाओ तो बेहतर है। आपको कोई कंपनी या फिर एजेंट, कोई जो ऑफिस वाले अगर वर्क वीज़ा दे रहा है तो आपको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे जॉब सर्च करना या फिर कोई एजेंट बुला के आपको आजकल 10 जगह पर इंटरव्यू दिलाएगा और आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत बड़े प्रॉब्लम फंसोगे, फिर घर से पैसे मंगा कर खाना पड़ेगा, पहला। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो लोग, क्योंकि एक दो नहीं दोस्तों लाखों लोग इस तरह से पड़े हुए जैसा मैंने वीडियो में दिखाया, यूएई गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जो लोग, मान लिया जिसका वर्क वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है, या फिर बहुत सारे लोगों का विजिट वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया फिर भी वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारे लोग दो दो साल से उनका वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया है कंपनी से हिसाब किताब लेके, फिर भी जो खल्ली बल्ली बोलते हैं दोस्तों, जो खल्ली बल्ली वीज़ा में काम कर रहे हैं, आज़ाद वीज़ा में जो बोल रहे इस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनको एक वार्निंग दिया गया और बताया है कि इमिजिएटली वहाँ पर दोस्तों दुबई से आप छोड़ के चले जाएँ, नहीं तो इससे बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आपको पहले क्या होता था कि आपको वो लोग पकड़ता था, थोड़ा दिन एक दो महीना जेल में रखता और आपको डिपोर्ट कर दिया जाता, मतलब अपने कंट्री भेज दिया जाता था, लेकिन अब आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा और जेल में भी रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो, फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका वीज़ा, कोई भी अगर विजिट वीज़ा है, एक्सपायर होने से एक दिन दो दिन पहले आप वहाँ से निकल ले तो बेहतर रहेगा, या फिर किसी कंपनी में वर्क वीज़ा पर काम कर रहे हो तो जब उसका हिसाब किताब आप पूरा क्लियर कर ले तो 28 डे का ग्रेस पीरियड होता है दोस्तों, उसके बाद आप एक दिन भी ना रहें नहीं तो फाइन के अलावा जेल भी आएगा। दूसरा दोस्तों, जो कुवैत से आ रहा है स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखा रहा हूँ दोस्तों, एक दिन में दोस्तों 500 लोगों का वीज़ा कैंसिल किया है। इतना बड़ा अपडेट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटना घट रहा है और उनको ये दुबई का सेम सिस्टम वहाँ पे हो रहा है, इसलिए दोस्तों एक दिन में, मात्र दोस्तों एक दिन में 500 लोगों का वीज़ा कैंसिल किया है, आप समझ सकते हो। तो जो भी अलीगल तरीके से गल्फ कंट्री में रह रहे हैं दोस्तों, उनको पूरा इसी तरह से पकड़ा जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, उनको डिपोर्ट करके घर भेज दिया जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। तो इसका बात का लाजिम ख्याल रखें और अपना हर चीज़ देख के सोच के तभी आप वहाँ पर काम करें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम फंसोगे।